हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर वर्ल्ड या फिर डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और स्पेशली अगर आज के ज़माने की बात करें तो जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी से अवेयर हों, डिजिटल वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है हम उस चीज़ों से अवेयर हों, और डिजिटल वर्ल्ड यानी कंप्यूटर वर्ल्ड में हमारे करियर को लेकर क्या स्कोप है। और अगर डिजिटल वर्ल्ड में करियर बनाने की बात की जाए तो हमारे जहन में सबसे पहले एक ही चीज़ का नाम आता है, वो है MCA, विच इज़ नथिंग बट द मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो गाइज आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में या फिर IT फील्ड में, वो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो हमेशा से एक डाउट होता है कि क्या IT फील्ड उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने MBA को देखा है, हमने लॉ के फील्ड को देखा है तो उसमें बहुत सारा पैसा है, तो क्या कंप्यूटर फील्ड में भी उतना ज़्यादा पैसा है? यस गाइस, और इसी चीज़ को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्यों आपको MCA एज अ करियर चूज़ करना चाहिए और क्यों ये आपका एक करियर चेंजिंग कोर्स होने वाला है, इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, कौन से टॉप कॉलेजेस से आप MCA कर सकते हो, क्या जॉब रोल्स आपको मिलेंगे और क्या प्लेसमेंट स्टैट्स रहने वाला है आपके MCA परस्यू करने के बाद, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बट बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस फॉर द ईयर 2023 and 2024, वेर यू गेट लाइव क्लासेस एंड क्लासरूम सेशन, बुक्स एंड ई बुक्स, शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल बी सॉल्विंग 10,000 प्लस क्वेश्चन एंड यू गेट अ प्रॉपर मेंटरशिप। सो यू कैन ऑलवेज टारगेट फॉर द MCA CET एज वेल एज द NIMSET एग्जामिनेशन। इफ यू मुंबई बेस्ड लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर सेंटर्स दादर, बोरीवली एंड वसई। इफ यू आर बेस्ड आउटसाइड मुंबई लुकिंग फॉर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर 8285814455, और एल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट www.manuvaredu.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और देखते हैं कि MCA इन पर्टिकुलर आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, सो दैट आपके करियर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। ओके, तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं, व्हाट इज़ MCA, जो कोर्स आप कर रहे हो उसके बारे में आपको ओवरव्यू डेफिनेटली होना ही चाहिए। सो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ अ 2-year फुल टाइम प्रोग्राम। तो ये आज से कुछ साल पहले 3 साल का प्रोग्राम हुआ करता था, बट अब ये 2 साल का प्रोग्राम है। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन रेगुलर फुल टाइम, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड। तो मोस्टली अगर आप रेगुलर फुल टाइम मोड में करोगे इसको तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, बिकॉज ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हालांकि आपको जॉब रोल्स अच्छे मिलेंगे, पैकेजेस भी अच्छा मिलेगा, बट रेगुलर फुल टाइम करने का आपको ऑलवेज एक अपर हैंड मिलता है। दिस कोर्स और प्रोग्राम शुड बी टेकन बाय द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और UI डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो काफ़ी कॉमन सा टर्म है, हम सब इस चीज़ से अवेयर होंगे। वॉट इज़ UI डेवलपर? इट इज़ यूज़र इंटरफेस डेवलपर। तो हम फोन्स यूज़ करते हैं, राइट? तो उसका यूज़र इंटरफेस जो होता है वो कौन बनाता है? एक ऐसा बंदा जिसने MCA की हुई है। हियर यू विल बी गेटिंग द कोर कंप्यूटर नॉलेज। तो आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ पता होती है। Also, if the candidates are interested and wants to work in the IT industry, तो IT industry वैसे ही हर time पिक पर होती है, तो IT industries में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर स्कोप है। Candidates who have completed their BCA means bachelor's in computer application, so आप एक तरीके से MCA को BCA का बड़ा भाई बोल सकते हो, because वो bachelor's होगी और bachelor's के बाद आपकी master's होगी। Can take up the MCA programs for better job roles, so अगर आपने BCA किया है तो तो आपको एक अपर हैंड है, बिकॉज आपने ऑलरेडी मोटा मोटा पार्ट जो है वो BCA में कवर कर लिया है, सो यू वोंट बी हैविंग एनी ट्रबल। बट अगर आप फ्रेशर हो, आप कंप्यूटर की आपने BCA में नहीं की हुई है, आपने BA की हुई है, आपने BCom की हुई है, डजेंट मैटर, आप फिर भी MCA कर सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी होती है MCA परस्यू करने की है हम आगे देखेंगे। सो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% ओपन कैटेगरी को लेकर आपको UG लेवल में होने चाहिए, ठीक है? तो अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़कर आए हो, कंप्यूटर साइंस पढ़कर आए हो, या जैसे मैंने बोला BCom
आपने बीए की हुई है, आप वैसे बीकॉम में भी कंप्यूटर्स पढ़ते हो, आपने बीए की है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन। बस इतना है कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स सच एज SC, ST एंड PW D शुड हैव 45%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट क्राइटेरिया चेंज नहीं होती है। मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल इज़ कंपल्सरी। तो ये एक कंपलसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डजेंट मैटर अगर आप ओपन कैटेगरी से आ रहे हो या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो, आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ही चाहिए। आपने 10+2 लेवल यानी स्कूल या कॉलेज में, या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपने मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, विदाउट विच यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन। फिर भले आपने बीकॉम से अपना ग्रेजुएशन पास किया हो या फिर बीए से, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई है, यू आर नॉट एलिजिबल। इट्स सिंपल एज दैट। कैंडिडेट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आपने अभी तक बोर्ड नहीं दिया है अपना, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन। बस आपका जो रिजल्ट हैं वो बाद में सबमिट कर देना। तो एक नज़र सिलेबस पे भी डाल देते हैं कि आप कौन से सिलेबस यहाँ पर पढ़ने वाले हो MCA में, और इन सारी चीज़ें को इन सारी चीज़ों को आप एकदम कोर या फिर डीपली पढ़ोगे। तो MCA जैसे स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये मोस्टली रिलेटेड कंप्यूटर से ही होगा या फिर कंप्यूटर के स्ट्रक्चर से ही होगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक हार्डवेयर बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, बिजनेस सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर प्रोग्राम विद सी लैंग्वेज कंप्यूटर में बहुत कॉमन है, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, बिजनेस इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, अनदर फेमिलियर लैंग्वेज इन कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर विद सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड TQM। तो ये सारे ना कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर के लिए बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, थरली पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, सो यू कैन बी अ क्रिएटर इन योर ओन वर्ल्ड। आप एक नया सा कोई भी सिस्टम क्रिएट भी कर सकते हो, सो इट गिव्स यू दैट मच ऑफ पावर। अब आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपने एक कोर कंप्यूटर को जान लिया कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है एंड कौन से सॉफ्टवेयर या फिर कौन से हार्डवेयर इसके अंदर यूज़ होते हैं, सो दैट एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप्ड हो सके। तो कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जिसमें हम स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं, जैसे कि सिस्टम्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। तो इसमें कैसा होता है कि एक बेसिकली सर्वर पे जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो कैसे स्टोर करना चाहिए, अगर गलती से डिलीट हो गया तो वो कैसे रीस्टोर करना चाहिए, सारी चीज़ें आप इसमें आप पढ़ोगे। सो इट विल बिकम योर स्पेशलाइजेशन। सिस्टम्स डेवलपमेंट, नेटवर्क, इंटरनेट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आप एक कोई नया ऐप भी डेवलप कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग, अगर समझो इसका इंटरनेट डाउन है या कोई वेबसाइट ब्लॉक है तो उसको कैसे रिस्टोर करना है, यू विल बी लर्निंग इन दी ट्रबल शूटिंग पार्ट। और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, अगर कंप्यूटर आपका बंद पड़ गया या फिर कोई सिस्टम करप्ट हो गया आपका, तो इधर इट इज़ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम, ये दो ही चीज़ें होती है जिसके वजह से कोई भी सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है। बट येस, आप यहाँ पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी सीखोगे, अगर समझो उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ी तो यू आर सफिशेंट इनाफ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम ऑन योर ओन। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपकी स्किल्स डेवलप्ड हो रही हैं, जितना आप कोर में पढ़ते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये आपकी स्किल्स डेवलप्ड होगी, विच इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। अच्छा, आपने अभी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपने स्पेशलाइजेशन भी कर ली, तो आप बोलोगे जॉब का क्या, जॉब तो मिलनी चाहिए राइट, तभी तो हम MCA कर रहे हैं। तो ये कुछ टॉप जॉब रोल्स हैं जो कि आपको MCA करने के बाद मिल सकते हैं, या फिर अगर आप MCA परस्यू कर रहे हो तो आप शायद इंटर्नशिप में भी ये सब पढ़ सकते हो। तो यू कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बहुत ही एक कॉमन टर्म हो चुका है आज की दुनिया में, आज से कुछ साल पहले ये इतना कॉमन नहीं था, ये काफ़ी रेयर टर्म था, जिसने जिसको इंटरेस्ट होता था कंप्यूटर की तरफ वही इन सभी चीज़ों में जाता था। बट येस, आज की दुनिया में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत कॉमन टर्म हो गया है,
द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आर प्राइमरीली टू डिज़ाइन इंस्टॉल एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर इन अ फॉर्म. ठीक है, तो अपडेट एंड अपग्रेड ये आज की दुनिया के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो आज की दुनिया में लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड रखना पड़ता है, सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ दी करंट सिचुएशंस जो भी चल रही है आपके आसपास. सेम वे एक कंप्यूटर को या फिर एक सिस्टम को भी अपग्रेड एंड अपडेट की ज़रूरत होती है, सो दैट इट कैन अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग वर्ल्ड. अगर इस ज़माने में भी आप विंडोज़ 98 चला रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो. तो यू हैव टू बी अपडेटेड एंड अपग्रेड. सो ये सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड कौन करता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो ये काफ़ी हैपनिंग जॉब है और बहुत सारे लोग परस्यू करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अ गो टू जॉब रोल फॉर दी MCA स्टूडेंट. देन यू कैन वर्क एज अ वेब डेवलपर. अब वेबसाइट्स आज की दुनिया में एक बहुत एसेंशियल पार्ट हो चुका है. आपको हर एक चीज़ हर एक वेबसाइट पर मिल जाएगी और हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग वेबसाइट्स भी बनाई गई है. तो ये वेबसाइट की मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है, बना तो कोई भी लेगा. एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बट उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. सो वो मेहनत कौन करता है? एक वेब डेवलपर. उसका काम होता है कि ये वेबसाइट को एक नया डिज़ाइन दे, सो दैट कि वो हमेशा एक फ्रेश वेबसाइट लगे. आप ऐसा ना हो कि आप उस वेबसाइट पर 4 साल पहले भी जा चुके हो और 4 साल बाद भी आप उसी सेम वेबसाइट को विज़िट कर रहे हो तो उसके अंदर कोई यूज़र इंटरफेस चेंज नहीं हुआ या कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं हुई है या कुछ चीज़ें क्लिकेबल नहीं है. तो ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है? एक वेब डेवलपर. तो उसका काम होता है डिज़ाइन करना वेबसाइट का, उसका लुक कैसा आएगा, उसका लेआउट कैसा आएगा और नए नए फीचर्स ऐड करना. देन यू कैन बिकम अ सिस्टम एनालिस्ट. द वर्क ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट इज़ टू एनालाइज व्हाट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज़ नीडेड बाय द फर्म. तो जैसे हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर में देखा, तो सेम रिलेटेड चीज़ ये सिस्टम एनालिस्ट में भी है कि अगर आप यहाँ पर न्यू सॉफ्टवेयर्स या फिर न्यू हार्डवेयर्स के साथ अपडेट या फिर अपग्रेड नहीं करोगे तो हो सकता है शायद आपका काम उतनी स्मूथली ना हो. द नेक्स्ट इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. नेटवर्क एडमिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल्ली सपोर्टिंग, कॉन्फिगरिंग, मेंटेनिंग एंड नेटवर्क्स इन हाउस सर्वर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उसका सारा डेटा जो है वो सर्वर पर स्टोर है और सर्वर जो फाइल होती है वो काफ़ी हैवी फाइल होती है क्योंकि उसमें पूरे ऑफिस का डेटा स्टोर होता है. तो हो सकता है ये कभी कभी सर्वर क्रैश हो जाता है बिकॉज ऑफ दी हैवीनेस ऑफ दी फाइल. तो ये फाइल लोड होने में टाइम लगता है, आपका काम हैम्पर होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करना कि ये सारी चीज़ें स्मूथली रन हो, ये काम होता है एक नेटवर्क एडमिन का. तो ये सारी चीज़ें वो नेटवर्क एडमिन के अंडर आती है. मोबाइल ऐप डेवलपर, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स एज पर दी कस्टमर्स नीड. तो आजकल हम आए दिन देखते रहते हैं कि एक नया कोई भी एक नया ऐप डेवलप्ड हो रहा है या कोई नई गेम आ रही है मार्केट में, कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई नया ऐप आ रहा है आपके प्ले स्टोर पर. तो ये सारी चीज़ें एक मोबाइल ऐप डेवलपर कर सकता है. तो अगर आप ने MCA पढ़ी हुई है, आपने कोर कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तभी जाकर आप एक मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो. नेक्स्ट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग, सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग सर्वर्स ऑन अदर कंप्यूटर्स. तो जैसे हमने नेटवर्क एडमिन में देखा था, सिस्टम एडमिन भी लगभग उसी तरह का काम करता है, बट ये अपने खुद के कंप्यूटर को छोड़कर पूरे ऑफिस या फिर पूरी कंपनी के सर्वर्स को ट्रैक डाउन करते हैं या फिर वो स्मूथली काम कैसे करे उसको देखते हैं. हार्डवेयर इंजीनियर. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हार्डवेयर इंजीनियर इज़ टू लुक आफ्टर द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, अभी एक कंप्यूटर है, ये बंद पड़ गया है, आपने इसका सॉफ्टवेयर चेक किया, ये अपडेटेड है, बट ये फिर भी क्यों नहीं ऑन हो रहा? बिकॉज इसका हार्डवेयर करप्ट हो चुका है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है. तो जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी, आपका कंप्यूटर नहीं स्टार्ट होगा. आप भले ही इसको 10 बार अपग्रेड कर लो, बट जब तक ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी आपका कंप्यूटर नहीं स्टार्ट होगा, राइट? तो हार्डवेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि सॉफ्टवेयर प्ले करता है. इंटरेस्ट में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई MCA स्टूडेंट्स ज़्यादा जिस फील्ड के लिए जाता है वो है हार्डवेयर इंजीनियर. एंड देन यू कैन बिकम अ टेक्निकल राइटर. तो जैसे कंटेंट राइटर होते हैं, आपने बहुत सारी फॉर्म्स में देखा होगा कि पेड कंटेंट राइटर होते हैं,
तो ऐसे ही आप एक टेक्निकल राइटर भी बन सकते हो, क्योंकि आपने कोर स्टफ़ पढ़े हैं टेक्निकल चीज़ों को लेकर, तो आप उसके ऊपर कुछ बुक्स लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, सो दैट जिसने अगर कंप्यूटर नहीं भी किया हुआ है या फिर जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है, वो आपका आर्टिकल या फिर आपकी बुक पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख जाए। और अगर आपको MCA करना है तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर से अगर आपने MCA परस्यू कर ली तो आपके करियर ग्रोथ में चार चांद लगने वाले हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस दैट यू शुड डेफिनेटली टारगेट, जैसे कि JNU दिल्ली, कैलकटा यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, SPPU सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन पुणे, विजिट विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी VJTI एंड SIS। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, अगर आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो या फिर पुणे में रहते हो, तो ये सारी टॉप कॉलेजेस आपको ज़रूर टारगेट करनी चाहिए। तो अभी हमने इसके सब्जेक्ट्स देखे, हमने इसके स्पेशलाइजेशन देखे, हमने जॉब रोल्स देखे, हमने टॉप कॉलेजेस भी देखे। अब आप बोलोगे कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो हमें कैसा प्लेसमेंट पैकेज मिलेगा, तो वाइज आपको इसके लिए भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपको प्लेसमेंट पैकेज भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यूजुअली जो एक MCA स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट पैकेज मिलती है वो है 7.8 लैक्स पर एनम की, तो इस हिसाब से मैं डिसेंट पैकेज बोलूँगा इसको, या फिर डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलूँगा, बिकॉज इस पॉइंट पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर जस्ट अ फ्रेशर, आप अभी अभी पास होकर निकले हो आपकी MCA डिग्री लेकर, तो उसी दौरान आपको 7.8 या फिर स्ट्रेच होकर 8 लाख पर एनम का भी पैकेज मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूज़, बट येस इतना आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 12 to 14 लाख पर एनम, अब ये इससे भी ऊपर जा सकता है, ये 18 to 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ईजिली, बट येस ये बहुत ही अच्छे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा ये कोर्स। और ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो आपको टारगेट करेंगे, आप भी इनको टारगेट करो, बिकॉज अगर टॉप कंपनीज में आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ से आपका प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, और करियर एक तरीके से आपका बिल्कुल सेट होने वाला है। सो दीज आर सम प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स ऑल ओवर इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अशोक लेलैंड, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, होंडा, डीकैथलॉन, NTPC, IBM, सैमसंग, ओरेकल, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अगर आप टॉप कॉलेजेस से आपके MCA परस्यू करते हो तो आपको प्लेसमेंट भी कॉलेज के थ्रू ही मिलता है, और वो भी ऐसे ही बड़ी टॉप कंपनीज़ में। सो गाइज, अगर आपको अभी भी MCA को लेकर दिल में कोई डाउट था कि MCA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उसका करियर स्कोप होगा या नहीं होगा, तो होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक और एक वीडियो बनाएंगे। और अगर इन टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको चाहिए अच्छी प्रिपरेशन। सो वंस अगेन, इफ यू मुंबई बेस्ड लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन ऑलवेज विजिट अ सेंटर्स बोरिवली वसई एंड दादर। इफ यू बेस्ड आउटसाइड मुंबई लुकिंग फॉर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर 8585814555। एज यूजुअल टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल।